आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। आज NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे। आज हम सबके लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉ. माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं, और NLFT और ATTF के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आज हम सबके लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का यह समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मले, सुरक्षा बल मले या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है ये सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए
हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और एनएलएफटी के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगे। मैं राजा साहब बैठे हैं यहां पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अंडरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में एनएलएफटी एसडी समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्य सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, डीएनएलए शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ शांति समझौता 23 में हुआ, और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था, अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना, 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर, मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहां जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं इस समझौते को अक्षर स लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे। फिर से एक बार एनएलएफटी और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।